और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम खबरों पर। वायुसेना दिवस पर दशहरा के मौके पर आज देश को मिलेगा पहला राफेल लड़ाकू विमान के साथ फ्रांस में रक्षा मंत्री करेंगे शस्त्र पूजन। रावण दहन कार्यक्रम के लिए दिल्ली के द्वारका मैदान जाएंगे पीएम मोदी, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। अमित शाह ने कहा हमेशा केंद्र शासित नहीं रहेगा जम्मू और कश्मीर। 10 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर घूमने जा सकेंगे पर्यटक, राज्यपाल ने एडवाइजरी वापस लेने को कहा। वायुसेना दिवस पर हिंडन एयरबेस पर अभिनंदन और बालाकोट एयर स्ट्राइक में शामिल जवानों ने उड़ाए लड़ाकू विमान। नेपाल सांसद के पूर्व स्पीकर गिरफ्तार, महिला कर्मचारी ने लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप। संघ प्रमुख भागवत बोले अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए मोदी और शाह की प्रशंसा होनी चाहिए। यूपी राजबब्बर की जगह लेंगे अजय कुमार, आराधना मिश्रा को मिली विधायक दल की कमान। पूर्व पीएम चंद्रशेखर को मिले भारत रत्न, युवा तुर्क को भारत रत्न देने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में स्मिथ और वार्नर की वापसी। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए लाइव भारत न्यूज।